हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर हम लेने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ यूनिट 1 और हमारा टॉपिक है लैग्रांज इक्वेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास लीनियर, नॉन लीनियर, सेमी लीनियर, क्वाजी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या हैं और उनका फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो लैग्रांज इक्वेशन है, एक्चुअली ये इक्वेशन है क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 का जो फॉर्मेट है ये आपके पास होता है, आप कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इंक्लूड्स होंगे, तो यहाँ इंक्लूड है स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू, जहां पी डिनोट करता है हमारे पास पी इज डेल जेड बाय डेल एक्स एंड क्यू डिनोट करता है डेल जेड अपॉन डेल वाई, वेयर जेड इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स एंड वाई। सो फॉर्मेट आता है कैपिटल पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इंटू पी प्लस क्यू, एक्स वाई जेड का फंक्शन है इंटू क्यू और राइट हैंड साइड फंक्शन है आर एक्स वाई जेड। तो क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 इज कॉल्ड लैग्रांज इक्वेशन। अब आते हैं कि हम इस लैग्रांज इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस लैग्रांज इक्वेशन इज गिवन बाय फाई यू वी। फाई हमारे पास एक आर्बिट्री फंक्शन है, किसी भी से भी डिनोट कर सकते हैं यू एंड वी। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए क्या फाइंड आउट करना जरूरी होगा, सबसे पहले हम यू फाइंड आउट करेंगे देन वी फाइंड आउट करेंगे। यू एंड वी, अब ये यू एंड वी क्या है, यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट सी वन एंड वी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी टू। यू एंड वी आपके पास क्या है, यू एंड वी आपके पास सॉल्यूशंस है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन किसके, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन के। तो जो हमारे पास लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये इक्वेशन कैसे डिनोट करते हैं, डीएक्स अपॉन कैपिटल पी। अब कैपिटल पी क्या था, कैपिटल पी है हमारे पास स्मॉल पी का कोफिशियंट, कैपिटल क्यू क्या है स्मॉल क्यू का कोफिशियंट और आर राइट हैंड साइड फंक्शन। तो इनकी हेल्प से हम सबसे पहले एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, डीएक्स अपॉन पी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आर, दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के हम दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन को डिनोट किया यू से, सेकंड सॉल्यूशन को डिनोट किया वी से। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एक आर्बिट्री फंक्शन फॉर्म करेंगे फाइ यू वी इक्वल्स टू जीरो, ये आपके पास कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। तो स्टार्टिंग आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन से करनी है। तो अब हम इसके कुछ वर्किंग स्टेप डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास इसके वर्किंग स्टेप्स क्या होंगे। तो वर्किंग स्टेप्स हमारे पास क्या है, S1 फर्स्ट वर्किंग स्टेप हम ले रहे हैं कि जो भी आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की दी गई है उसको आप पी इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इक्वल्स टू आर के फॉर्म में लिखें। इसकी हेल्प से हम फॉर्म क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करने का क्या फॉर्मूला है, डीएक्स अपॉन कैपिटल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी का कोफिशियंट इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आर, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से हम दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे यू एंड वी। यू कोई भी फंक्शन आ सकता है एक्स वाई जेड का, वी भी कोई फंक्शन आ सकता है एक्स वाई जेड का। अब आपने यू और वी निकाल लिया यू एंड वी की हेल्प से, अब आपको सिर्फ जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो जनरल सॉल्यूशन को आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, फर्स्ट कोई आर्बिट्री फंक्शन ले लीजिए फाई यू कॉमा वी इक्वल्स टू जीरो, या आप लिख सकते हैं यू इज अ फंक्शन ऑफ वी, या आप लिख सकते हैं वी इज अ फंक्शन ऑफ यू। तो इस स्टेप को हम कैसे फॉलो करेंगे, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं आगे। अब जब हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये सब रेशो के फॉर्म में चल रहा है, फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, तो हम इन किसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम ग्रुपिंग कर सकते हैं इनकी, या हम मल्टीप्लायर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, या किसी क्वेश्चन में हम दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, ग्रुपिंग और मल्टीप्लायर। तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा कि हमें किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ लेते हैं हम, हमारे पास एग्जांपल है सॉल्यूशन हम जो यहाँ लेने जा रहे हैं बाय यूजिंग ग्रुपिंग। अब देखिए सबसे पहले आपने इक्वेशन फॉर्म कर ली, हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। ग्रुपिंग कैसे करेंगे, दिस इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ग्रुपिंग का मीनिंग या तो फर्स्ट सेकंड को एक साथ ले लीजिए एक सॉल्यूशन आ जाएगा,
सेकेंड थर्ड को एक साथ ले लें, ग्रुपिंग कर लें, फर्स्ट की सेकेंड के साथ ग्रुपिंग कर लें, एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। या सेकेंड थर्ड की ग्रुपिंग कर लें, जो भी पॉसिबल हो, एक इक्वेशन यहाँ से फॉर्म हो जाएगी, एक सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएगा। हो सकता है फर्स्ट थर्ड की आप ग्रुपिंग कर लें, एक सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस तरह से भी ग्रुपिंग पॉसिबल हो, हम ओनली टू सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। जैसे भी रिक्वायर्ड हो आप ग्रुपिंग का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्व वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई। तो सबसे पहले देखिए क्या ये क्वाजिलीनियर है। पी का कोफिशियंट वाई जेड, एक्स वाई जेड का फंक्शन, क्यू का कोफिशियंट जेड एक्स, एक्स वाई जेड का फंक्शन, राइट हैंड साइड फंक्शन होना चाहिए एक्स वाई जेड का। तो ये हमारे पास फॉर्मेट है पी इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू, दिस इज इक्वल्स टू आर। लैग्रेंज इक्वेशन है। तो लैग्रेंज इक्वेशन की सबसे पहले हम फॉर्म करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन देखिए क्या लिखेंगे। फॉर्मूला आप लिखते हैं डी एक्स अपॉन कैपिटल पी, डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू एंड डी जेड अपॉन कैपिटल आर। अब क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं। तो देखिए स्मॉल पी का जो कोफिशियंट है वो कैपिटल पी को डिनोट करता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपिटल पी की वैल्यू आपके पास है वाई जेड, कैपिटल क्यू की वैल्यू आपके पास है जेड एक्स एंड कैपिटल आर की वैल्यू है आपके पास एक्स वाई। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, डी एक्स अपॉन वाई जेड इक्वल्स टू डी वाई अपॉन जेड एक्स डी जेड अपॉन एक्स वाई। दिस इज फर्स्ट सेकेंड फ्रैक्शन एंड दिस इज थर्ड फ्रैक्शन। ग्रुपिंग करें जैसे पॉसिबल हो। तो अगर हम ध्यान से देखें, फर्स्ट और सेकेंड की अगर हम ग्रुपिंग कर दें, फर्स्ट और सेकेंड ले लें, तो आपके पास बनता है डी एक्स अपॉन वाई जेड इक्वल्स टू डी वाई अपॉन जेड एक्स। यहाँ से एक कॉमन जेड कैंसिल हो गया, एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। वेरिएबल सेपरेबल यूज कर लें, एक्स को डी एक्स के साथ, वाई को डी वाई के साथ, एक इक्वेशन फॉर्म हो गई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू वाई डी वाई। सॉल्व कर लें डिफरेंशियल इक्वेशन को, इंटीग्रेट बोथ साइड। सो एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस एनी कॉन्स्टेंट सी वन। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन, जो हम कहते हैं एक सॉल्यूशन निकल के आएगा। फर्स्ट सॉल्यूशन को हमने डिनोट किया था u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी वन। सेकेंड सॉल्यूशन को डिनोट किया v से, एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा सी टू। तो हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन निकल आया। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू सी वन। टू सी वन इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, कोई और कॉन्स्टेंट यूज कर लें हम इसकी जगह। हमने मान लिया कि हमारे पास जो कॉन्स्टेंट आ गया दिस इज कैपिटल सी वन, ये हमने फर्स्ट सॉल्यूशन ले लिया। अब हमें एक सॉल्यूशन और चाहिए, एक तो हम निकाल चुके, नेक्स्ट हमें सेकेंड सॉल्यूशन चाहिए। फिर से हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें और देखिए इस बार कौन सी ग्रुपिंग पॉसिबल है जिससे कि हमें आंसर इजीली मिल सके। तो हम यहाँ सेकंड थर्ड भी ले सकते हैं। अगर हम सेकंड थर्ड को देखें तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और इजीली हमें आंसर मिलेगा। और अगर हम फर्स्ट या थर्ड लें तो फर्स्ट थर्ड में आप देखेंगे वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स डी एक्स के साथ आ जाएगा, जेड डी जेड के साथ आ जाएगा। तो आप फर्स्ट और थर्ड की भी ग्रुपिंग ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं सेकेंड और थर्ड, तो सेकेंड थर्ड में आपके पास बन गया डी वाई अपॉन जेड एक्स इक्वल्स टू डी जेड अपॉन एक्स वाई। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास फिर से एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। इक्वेशन आ गई वाई डी वाई इक्वल्स टू जेड डी जेड। अगेन इंटीग्रेट कर ले तो वाई स्क्वायर बाई टू माइनस जेड स्क्वायर बाई टू दिस इज इक्वल्स टू सी टू। इसे मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल सी टू। टू सी टू की जगह कैपिटल सी टू का भी कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। एक सॉल्यूशन आपके पास ये आ गया। देखिए अब आपके पास दो सॉल्यूशन आ चुके हैं। इन दोनों सॉल्यूशन की हेल्प से अब हम फाइनल आंसर क्या लिखते हैं। तो फाइनल आंसर लिखने का तरीका बताया था कि आपने दो सॉल्यूशन निकाले यू एंड वी। तो फाइनल आंसर इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन होगा फाई यू वी। यू आपने फर्स्ट ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वी आपके पास सेकेंड आ गया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू जीरो। ये आपके पास आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए आप जो यूज करते हैं टर्म, इसका जनरल सॉल्यूशन फाई यू वी दिस इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। तो आपको दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि ग्रुपिंग आप किस फ्रैक्शन की लेके चलेंगे। इसी तरह से हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास p
पी रूट एक्स प्लस क्यू रूट वाई इक्वल्स टू रूट जेड। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें क्या ये आपके पास लेग्रांज है। तो लेग्रांज का फॉर्म क्या है, पी इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू, दिस इज इक्वल्स टू आर। तो स्मॉल पी के साथ जो टर्म है ये है कैपिटल पी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपिटल पी है रूट एक्स, कैपिटल क्यू आपके पास है रूट वाई, कैपिटल आर आपके पास है अंडर रूट जेड। तो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास बन गई डी एक्स अपॉन पी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल्स टू डी जेड अपॉन दिस इज आर। वैल्यू पुट करते हैं डी एक्स अपॉन पी रूट एक्स, डी वाई अपॉन रूट वाई एंड डी जेड अपॉन रूट जेड। फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकेंड फ्रैक्शन, थर्ड फ्रैक्शन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी ग्रुपिंग कर लीजिए। मैं अगर फर्स्ट और सेकंड की ग्रुपिंग करूं तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड की ग्रुपिंग करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन रूट वाई। इजीली इंटीग्रेशन हो सकता है तो इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये हो गया, अगर आप इसे ट्रांसफर करें एक्स रेस टू दी पावर माइनस हाफ, और अगर आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा टू रूट एक्स इक्वल्स टू टू रूट वाई प्लस एनी कॉन्स्टेंट सी वन। तो आप चाहे तो इस रूट को कैंसिल कर सकते हैं और सॉल्यूशन इस तरह से लिख सकते हैं, रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल्स टू सी वन बाय टू। तो सी वन बाय टू को कोई और कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लें, कैपिटल सी वन हमने ये कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो आप सेकेंड थर्ड ले सकते हैं, फर्स्ट थर्ड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने फर्स्ट थर्ड ले लिया, फर्स्ट एंड थर्ड रेशो हमने कंसिडर कर ली। तो फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट आपके पास है डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू डी जेड अपॉन रूट जेड, अगेन इंटीग्रेट टू रूट एक्स टू रूट जेड प्लस एनी कॉन्स्टेंट सी टू। टू को भी एलिमिनेट करके लिख सकते हैं, रूट एक्स माइनस का रूट जेड इक्वल्स टू सी टू बाय टू, कोई और कॉन्स्टेंट ले लें, कैपिटल सी टू, ये आपने ले लिया। दो आपने सॉल्यूशन निकाल लिए, फर्स्ट आपने ये फाइंड आउट किया हुआ है, सेकंड सॉल्यूशन ये फाइंड आउट किया हुआ है। तो आप इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिख रहे हैं, तो आपके पास इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। लिखने का तरीका फाइ यू वी इक्वल्स टू जीरो, फर्स्ट सॉल्यूशन आपके पास रखा हुआ है फाइ, दिस इज रूट एक्स माइनस रूट वाई कॉमा, सेकेंड सॉल्यूशन इज रूट एक्स माइनस का रूट जेड, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। इसी के साथ हम इसी ग्रुपिंग पर बेस्ड एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन पी प्लस थ्री क्यू इक्वल्स टू फाइव जेड प्लस टेन वाई माइनस थ्री एक्स। ये हमारा 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए क्या ये लेग्रांज है, तो p इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू दिस इज इक्वल्स टू r, लेग्रांज इक्वेशन है। कैपिटल p कंपैरिजन करिए, स्मॉल p का कोफिशियंट 1, कैपिटल q स्मॉल q का कोफिशियंट 3 एंड r, r की वैल्यू राइट हैंड साइड फंक्शन 5z प्लस 10 y माइनस 3x, ये आपके पास आ गया। फॉर्म करते हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास आ गई डी एक्स अपॉन पी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आर। वैल्यू पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डी एक्स अपॉन वन डी वाई अपॉन थ्री एंड डी जेड अपॉन फाइव जेड प्लस टेन वाई माइनस थ्री एक्स। वैल्यू पुट की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्रैक्शन, एक सॉल्यूशन तो डायरेक्टली नजर आता है फर्स्ट एंड सेकंड के थ्रू, तो ग्रुपिंग कर लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड की। तो फर्स्ट एंड सेकंड की अगर आपने ग्रुपिंग करी तो एक वैल्यू बन गई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन थ्री, इसका मीनिंग थ्री डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई। तो इंटीग्रेट कर लें, दिस इज थ्री एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस सी वन। तो यहां से एक सॉल्यूशन आ गया आपके पास, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं वाई माइनस 3x इक्वल्स टू, इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया y माइनस 3x, c1 को अगर हम इधर ले आए कांस्टेंट है कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसे कह दिया कैपिटल c1, एक सॉल्यूशन ये बना लिया y माइनस 3x इक्वल्स टू कैपिटल c1।
क्यों बनाया? थर्ड रेशियो को ध्यान से देखिए, थर्ड रेशियो में एक टर्म है 5z प्लस 10 y माइनस 3x, मेरे पास सॉल्यूशन भी y माइनस 3x है। तो आगे क्वेश्चन करने के लिए अगर हम देखें सेकेंड थर्ड की अगर मैं ग्रुपिंग करूं तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और फर्स्ट थर्ड की अगर मैं ग्रुपिंग करूं तब भी मुझे कोई आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इस सॉल्यूशन का यूज करूं अपने थर्ड रेशो में, थर्ड फ्रैक्शन में, तो मुझे यहां से सॉल्यूशन मिल सकता है। तो y माइनस 3x की वैल्यू c1 हम थर्ड फ्रैक्शन में सब्सिट्यूट करते हैं तो हमारे पास, और हम इसकी ग्रुपिंग कर लें फर्स्ट और थर्ड की, फर्स्ट और थर्ड की जैसे ही आप ग्रुपिंग करेंगे dx इक्वल्स टू dz अपॉन, ये आपके पास आ गया 5z प्लस 10, y माइनस 3x को सब्सिट्यूट कर दें आप c1, दिस c1 इज अ कांस्टेंट। अब आप इसका इंटीग्रेशन सिंपली कर सकते हैं, dx का इंटीग्रेशन x हो गया और ये कम्प्लीटली z में है, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए dx के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन आ गया x। अब इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रेट करके दिखाते हैं, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है dz अपॉन 5z प्लस 10c1, तो 5z प्लस 10c1 को आप लेट कर लीजिए एनी वेरिएबल टी, दिस इज 5 dz, 10c1 तो कांस्टेंट हो गया, डेरिवेटिव जीरो हो गया, दिस इज इक्वल्स टू dt, तो dz की वैल्यू आपके पास आ गई dt बाय 5। तो ये इंटीग्रेशन आपके पास कन्वर्ट हो गया dz की वैल्यू dt बाय 5t, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, तो हम इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 log t, और t की वैल्यू मैं डायरेक्टली सब्सिट्यूट करके लिख रही हूँ, t आपके पास है 5z प्लस 10c1 प्लस एनी कांस्टेंट c2, ये हुआ इंटीग्रेशन कंप्लीट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 है यहाँ पर, कंप्लीट इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, 5x, log को हमने ट्रांसफर कर दिया, log 5z प्लस 10, c1 की वैल्यू आप सब्सिट्यूट कर दें जो हमने इंटीग्रेशन के टाइम पर रखा था, c1 की वैल्यू y माइनस 3x इक्वल्स टू, 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 5c2, 5c2 इज अगेन कांस्टेंट, तो इसकी जगह हमने एक दूसरा कांस्टेंट कंसिडर कर लिया c2, तो मेरे पास सेकेंड सॉल्यूशन आ गया दिस। अब इसका अगर आप जनरल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो जनरल सॉल्यूशन आप उसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय फाइ यू वी, फर्स्ट सॉल्यूशन u y माइनस 3x एंड v, सेकेंड सॉल्यूशन आपके पास है 5x माइनस log 5z प्लस 10 y माइनस 3x, दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। तो जहां हमें रिक्वायर्ड है हम फर्स्ट सॉल्यूशन का यूज किसी फ्रैक्शन में कर सकते हैं सेकेंड सॉल्यूशन का फाइंड आउट करने के लिए। तो ग्रुपिंग से हम इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड मेथड हम लेते हैं बाय यूजिंग मल्टीप्लायर, तो जहां ग्रुपिंग पॉसिबल ना हो वहां मल्टीप्लायर का यूज करें। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट स्टेप तो वही होगा कि हमने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन को फॉर्म किया, पी इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू, दिस इज इक्वल्स टू आर के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई। अब आपने देखा इसमें ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं हो रही है तो मल्टीप्लायर का यूज करें। हमने यहाँ लेट कर लिए मल्टीप्लायर, लेट p1 q1 r1, ये आपके पास है मल्टीप्लायर्स। तो जब आपने मल्टीप्लायर लेट करे तो ये जो आपके पास ईच एंड एवरी फ्रैक्शन है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ईच फ्रैक्शन मीन्स dx अपॉन p इक्वल्स टू dy अपॉन q इक्वल्स टू dz अपॉन r, दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट मल्टीप्लायर हमने लिया p1, मीनिंग dx में हम p1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं p1 dx, प्लस सेकेंड मल्टीप्लायर है मेरा q1, दिस इज q1 dy, एंड थर्ड मल्टीप्लायर है मेरा r1, सो प्लस r1 dz। यही काम हम p के साथ कर रहे हैं, फर्स्ट मल्टीप्लायर p1 है तो p इंटू p1, सेकेंड मल्टीप्लायर q1 है तो q इंटू q1, थर्ड मल्टीप्लायर r1 है प्लस r इंटू r1, ये हमने मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर हम किस तरह से सेलेक्ट करें, ये क्वेश्चन आता है कि मल्टीप्लायर कैसे सेलेक्ट करें, तो हम इस तरह से कोशिश करें, हम ऐसे मल्टीप्लायर सेलेक्ट करें जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर की टर्म है,
डिनोमिनेटर की टर्म मीनिंग जो हमारे पास ये पी पी वन क्यू क्यू वन प्लस आर आर वन जो हमारे पास बना है वो किसी तरीके से जीरो बन जाए। तो हम कुछ ऐसे मल्टीप्लायर सेलेक्ट कर लें कि हमारे पास ये कंप्लीट टर्म, दिस टर्म जो हमारे पास है ये किसमें कन्वर्ट हो जाए, हमारी जीरो में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा करने से क्या होगा, ईच फ्रैक्शन दिस इज इक्वल्स टू पी वन डी एक्स प्लस क्यू वन डी वाई प्लस आर वन डी जेड अपॉन जीरो। तो अगर हम कुछ ऐसा कर पाए कि हमारे पास ये टर्म जीरो बन गई तो हमारे पास एक इक्वेशन बहुत इजीली फॉर्म हो जाएगी। हम लिख पाएंगे ईच फ्रैक्शन दिस इज इक्वल्स टू पी वन डी एक्स प्लस क्यू वन डी वाई प्लस आर वन डी जेड अपॉन जीरो। इसका क्या बेनिफिट हुआ, इसका बेनिफिट ये हुआ जीरो से आप किसी भी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करें तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी पी वन डी एक्स प्लस क्यू वन डी वाई प्लस आर वन डी जेड। ये हमें एक इक्वेशन मिल गई दिस इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ से एक सॉल्यूशन तो यहाँ से आ गया। इसी तरीके से दूसरा सॉल्यूशन चाहिए, कोई और मल्टीप्लायर सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से सेलेक्ट करिए, फिर से आपके पास ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ हमारी प्रैक्टिस वर्क करेगी कि हम मल्टीप्लायर इस तरह से सेलेक्ट कर पाए कि हम यहाँ जीरो बना पाए। सेकंड केस कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में जीरो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम मल्टीप्लायर कुछ इस तरह से सेलेक्ट करें कि हमने मल्टीप्लायर कुछ इस तरह से ले लिए। ये मल्टीप्लायर का सेट है कि ईच फ्रैक्शन आपके पास क्या बन गया, आप लिख पा रहे हैं पी वन डी एक्स प्लस क्यू वन डी वाई प्लस आर वन डी जेड अपॉन मल्टीप्लायर पी पी वन क्यू क्यू वन प्लस आर आर वन। मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में ऐसा आया कि ये टर्म आपके पास जीरो नहीं बनी, तो ट्राई करिए कि ये जो आपके पास टर्म है ये कुछ इस तरह के टर्म बने कि आपके पास ये जो न्यूमरेटर रखा है, ये जो आपके पास न्यूमरेटर है वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन किसका हो, वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो। तो न्यूमरेटर क्या बन जाए, वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन किसका बन जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बन जाए। हम कुछ ऐसे मल्टीप्लायर सेलेक्ट कर लें। तो अगर आप जीरो बना सकते हैं क्वेश्चन में तो जीरो बना के सॉल्यूशन निकाल लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि मल्टीप्लायर का एक ऐसा सेट सेलेक्ट कर लीजिए कि आपके पास ये जो न्यूमरेटर की टर्म रखी है कम्प्लीटली, ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव किसका हो, डिनोमिनेटर का बन जाए, जिससे कि आप इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकें। तो इस फंडामेंटल को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ कंसिडर करते हैं। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू माइनस का जेड एक्स। ये 16-17 में रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन को फॉर्मेट देखिए, दिस इज कैपिटल पी इंटू पी प्लस कैपिटल क्यू इंटू क्यू, दिस इज इक्वल्स टू आर, दिस इज लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन को फॉर्म करना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर आप बना रहे हैं तो dx अपॉन कैपिटल P, तो कैपिटल P आपके पास क्या है, कैपिटल P है आपके पास y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू dy अपॉन कैपिटल Q, तो कैपिटल Q है माइनस एक्स वाई, दिस इज इक्वल्स टू dz अपॉन कैपिटल R, कैपिटल R की वैल्यू है माइनस का zx। ये हमने फॉर्म कर लिया। तो फर्स्ट स्टेप पर हमने देखा फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकेंड फ्रैक्शन, थर्ड फ्रैक्शन। कोई अगर सॉल्यूशन ग्रुपिंग से पॉसिबल है तो आप यहाँ पर सबसे पहले ग्रुपिंग को अप्लाई करें, और जब ग्रुपिंग से पॉसिबल ना हो तो आप वहाँ पर मल्टीप्लायर का यूज करें। तो अगर हम ग्रुपिंग के लिए देखें तो सेकेंड और थर्ड रेशो को ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर ग्रुपिंग पॉसिबल हो पाती है या नहीं हो पाती। तो हम यहाँ सेकेंड एंड थर्ड रेशो को देखते हैं। सेकेंड और थर्ड रेशो आपके पास है डी वाई अपॉन माइनस का एक्स वाई इक्वल्स टू डी जेड अपॉन माइनस का जेड एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई के साथ वाई आ गया, डी जेड के साथ जेड आ रहा है, इजिली इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई डी वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू डी जेड अपॉन जेड। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। वन अपॉन वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग जेड प्लस लॉग सी वन। कंबाइन कर लें लॉग को, तो आप इसे लिख सकते हैं
वाई अपॉन जेड इक्वल्स टू सी वन, लॉग वाई माइनस लॉग जेड मीनिंग लॉग वाई अपॉन जेड इक्वल्स टू लॉग सी वन, तो लॉग एलिमिनेट हो सकता है इजिली, तो वाई अपॉन जेड इक्वल्स टू सी वन, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट सॉल्यूशन बाय यूजिंग ग्रुपिंग। तो यहाँ तो हमने इजिली एक सॉल्यूशन ग्रुपिंग से फाइंड आउट कर दिया, लेकिन सेकेंड सॉल्यूशन यहाँ ग्रुपिंग से फाइंड आउट नहीं हो सकता। तो अब हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं मल्टीप्लायर्स। तो हमने यहाँ पर एक मल्टीप्लायर का सेट देखते हैं कि मल्टीप्लायर किस तरह से बनाएं। कोशिश हम इस तरह से करेंगे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो किसी तरीके से जीरो में कन्वर्ट हो जाए। तो हम यहाँ एक मल्टीप्लायर का सेट लेते हैं। हमारे पास मल्टीप्लायर का सेट अगर हम यहाँ पर ले लें एक्स वाई जेड, ये मल्टीप्लायर लेते हैं। तो देखिए ईच फ्रैक्शन दिस इज इक्वल्स टू, फर्स्ट मल्टीप्लायर लिया एक्स तो ये बन गया एक्स डी एक्स, सेकेंड मल्टीप्लायर हमने लिया वाई ये बना वाई डी वाई, और थर्ड मल्टीप्लायर हमने लिया जेड सो जेड डी जेड अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई से मल्टीप्लायर कर रहे हैं माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, थर्ड मल्टीप्लायर जेड है माइनस का जेड स्क्वायर एक्स। चेक करते हैं क्या ये टर्म जीरो है, ओपन करिए एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर जीरो, एक्स जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स जीरो, इसका मीनिंग ये टर्म सारी कैंसिल आउट हो गई। तो आपके पास ये जो ईच फ्रैक्शन आप लिख सकते हैं ईच फ्रैक्शन इक्वल्स टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन जीरो। क्या बेनिफिट हुआ जीरो इंटू ईच फ्रैक्शन, तो हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड दिस इज इक्वल्स टू जीरो, और इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन सिंपल है एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स सो एक्स स्क्वायर बाय टू, वाई डी वाई इंटीग्रेशन सो वाई स्क्वायर बाय टू, नेक्स्ट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड है सो जेड स्क्वायर बाय टू इक्वल्स टू एनी कॉन्स्टेंट सी वन, टू से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं सॉल्यूशन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू टू सी वन, टू सी वन इज अगेन कॉन्स्टेंट सो कैपिटल सी वन नहीं लेते, सी वन ऑलरेडी ले चुके हैं, दिस इज सी टू ले लेते हैं सो टू सी टू मीनिंग कैपिटल सी टू। तो सेकेंड सॉल्यूशन हमें बाय यूजिंग मल्टीप्लायर हमने इजिली फाइंड आउट कर लिया। अब आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, तो हम इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिख रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन फाई यू वी इक्वल्स टू जीरो। फर्स्ट सॉल्यूशन हमें क्या मिला, फर्स्ट सॉल्यूशन हमें मिला है वाई अपॉन जेड, सेकेंड सॉल्यूशन हमें क्या मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू जीरो, ये आपके पास आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। तो हमने ग्रुपिंग भी की और हमने मल्टीप्लायर का यूज भी किया। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल और समझते हैं, ग्रुपिंग और क्लियर होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन एम एक्स माइनस एन वाई इंटू पी एन एक्स माइनस एल जेड इंटू क्यू इक्वल्स टू एल वाई माइनस एम एक्स। तो दिस इज लैग्रांज कैपिटल पी, क्यू का कोफिशियंट कैपिटल क्यू, राइट हैंड साइड फंक्शन कैपिटल आर। तो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन को फॉर्म करना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने बनाया डी एक्स अपॉन कैपिटल पी एम जेड माइनस एन वाई, डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू, क्यू की वैल्यू है एन एक्स माइनस एल जेड, दिस इज डी जेड अपॉन कैपिटल आर एल वाई माइनस एम एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म हो गई, दिस इज फर्स्ट फ्रैक्शन सेकेंड फ्रैक्शन थर्ड फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुपिंग देखिए, ग्रुपिंग हमें फर्स्ट सेकेंड लूँ मुझे कोई आंसर नहीं मिलेगा, सेकेंड थर्ड की ग्रुपिंग करें नो आंसर, फर्स्ट थर्ड की करें नो आंसर, इसका मीनिंग मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लायर का यूज करना होगा। मल्टीप्लायर ऐसे सेलेक्ट करें जो डिनोमिनेटर है वो जीरो में कन्वर्ट हो सके। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लायर कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन को ध्यान से देखें एम और एन है एल मिसिंग है, सेकेंड फ्रैक्शन को देखें एन एल है एम मिसिंग है, थर्ड फ्रैक्शन को देखें एल एम है एन मिसिंग है। तो हम फर्स्ट फ्रैक्शन के अंदर के लिए मल्टीप्लायर का एक सेट ले रहे हैं एल, सेकेंड के लिए ले रहे हैं एम, और थर्ड के लिए हम ले रहे हैं एन, हमने मल्टीप्लायर का सेट सेलेक्ट किया। तो हम लिखते हैं दिस इज ईच फ्रैक्शन दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड, सेम मल्टीप्लाई यहां करते जाइए एल, दिस इज एल एम जेड
माइनस एल से मल्टीप्लाई है एल एन वाई प्लस सेकेंड मल्टीप्लायर एम है। अब इस फ्रैक्शन में आप एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर एम एन एक्स माइनस एल एम जेड प्लस नेक्स्ट मल्टीप्लायर है एन, एन से मल्टीप्लाई करते हैं एन एल वाई माइनस एम एन एक्स। चेक करते हैं क्या जीरो बनता है। एल एम जेड, एल एम जेड कैंसिल, एल एन वाई कैंसिल, एम एन एक्स कैंसिल। इसका मीनिंग ईच फ्रैक्शन दिस इज इक्वल्स टू एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन जीरो। जीरो बनाने का बेनिफिट क्या हुआ, तो आपके पास ये इक्वेशन बन सकता है एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, इंटीग्रेट कर लेते हैं एल डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू सी वन, तो मेरे पास फर्स्ट सॉल्यूशन ये आ गया। अब इसी तरीके से मुझे नेक्स्ट फाइंड आउट करना है सेकेंड सॉल्यूशन। अब सेकेंड सॉल्यूशन के लिए मुझे फिर से देखना होगा कि हम क्या मल्टीप्लायर को सेलेक्ट कर लें। तो नेक्स्ट मल्टीप्लायर हम फिर इसी तरह से सेलेक्ट करें कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो किसी तरीके से जीरो में कन्वर्ट हो सके। तो सेकेंड मल्टीप्लायर हम यहाँ पर लेते हैं। अब इसके लिए फिर से ध्यान से देखिए, जैसे हमने पहले आइडेंटिफाई करा था इजिली कि एम और एन है, तो एल मिसिंग था, एल ले लिया, इसमें एम ले लिया, इसमें एन ले लिया। अब यहाँ जेड और वाई है, एक्स मिसिंग है, वाई मिसिंग है यहाँ पर, या जेड है। तो नेक्स्ट मल्टीप्लायर ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट मल्टीप्लायर है हमारे पास एक्स वाई जेड, इसको लेकर ट्राई करते हैं। तो हमारे पास बनता है ईच फ्रैक्शन दिस इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन, फर्स्ट एक्स लिया है सो एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स से मल्टीप्लाई करें एम एक्स जेड माइनस एन एक्स वाई। सेकेंड मल्टीप्लायर हमने वाई सेलेक्ट किया है तो वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस एन एक्स वाई माइनस एल एक्स जेड प्लस, थर्ड मल्टीप्लायर हमारे पास जेड है तो जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एल वाई जेड माइनस एम एक्स जेड। चेक करते हैं क्या जीरो में कन्वर्ट होता है। एम एक्स जेड माइनस का एम एक्स जेड कैंसिल आउट, एन एक्स वाई कैंसिल आउट, एल एक्स जेड, और आपके पास ये बनता है दिस इज एल एक्स जेड नहीं, दिस इज एल वाई जेड, वाई आपके पास ये है, हमने वाई लिया था तो एन वाई एन एक्स वाई माइनस का एल वाई जेड, और एल वाई जेड से कैंसिल आउट। तो हमारे पास ये बन गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन जीरो। तो हम यहाँ पर जीरो बनाने में सक्सेसफुल रहे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन आ गई एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब इंटीग्रेशन सिंपल है इसका, तो इंटीग्रेशन कर ले एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वाई स्क्वायर बाय टू प्लस जेड स्क्वायर बाय टू इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट सी टू, चाहे तो टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए। तो सेकेंड हमारे पास सॉल्यूशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल सी टू, दिस इज सेकेंड सॉल्यूशन। तो फाइनल आंसर क्या लिखें, हम फाइनल आंसर इसका लिख सकते हैं फाई यू वी, फाई यू की वैल्यू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, सेकेंड सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। आई थिंक इसमें मल्टीप्लायर लेना समझ आ गया होगा। इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू पी एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स इंटू क्यू इक्वल टू जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम देखें लैग्रांज, दिस इज कैपिटल पी, दिस इज कैपिटल क्यू एंड दिस इज कैपिटल आर, ये आपके पास है। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करें, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास बन गई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट सेकेंड थर्ड
देखिए क्या ग्रुपिंग पॉसिबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही चेक करना है क्या ग्रुपिंग पॉसिबल है। यस, आंसर इज यस कि यहां पर ग्रुपिंग पॉसिबल है। तो फर्स्ट और सेकंड की अगर हम ग्रुपिंग कर लें तो फर्स्ट सेकंड की ग्रुपिंग से आपके पास बना dx अपॉन y स्क्वायर x माइनस y एंड dy अपॉन माइनस को कॉमन लेते हुए माइनस का x स्क्वायर x माइनस y। ऐसा करने से क्या हुआ, x माइनस y का फैक्टर कैंसिल आउट हो गया और आपके पास अब जो इक्वेशन बनती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए, तो ये आपके पास इक्वेशन क्या फॉर्म होके आ जाएगी, y स्क्वायर dy प्लस x स्क्वायर दिस इज dx इक्वल्स टू जीरो। इंटीग्रेट कर लेते हैं, दिस इज y क्यूब बाय 3 प्लस x क्यूब बाय 3 इक्वल्स टू c1। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल्स टू 3c1 कैपिटल c1। ये आपके पास बाय ग्रुपिंग एक सॉल्यूशन इजीली आपने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड सॉल्यूशन के लिए देखिए कि अब इसमें और कोई ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है जहां से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। तो इसका मीनिंग क्वेश्चन को मल्टीप्लायर पे लेकर आना पड़ेगा। अब मल्टीप्लायर में दो ऑप्शन बताएं, या तो डिनोमिनेटर को जीरो बना लीजिए या फिर कुछ मल्टीप्लायर ऐसे सेलेक्ट करिए जिसमें न्यूमरेटर आपका एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन जाए डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पर हम कुछ इसी तरह से करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक मल्टीप्लायर सेलेक्ट किया, मल्टीप्लायर्स है हमारे पास, दिस इज वन, फर्स्ट मल्टीप्लायर हम ले रहे हैं वन, सेकंड मल्टीप्लायर हमने ले लिया माइनस वन एंड थर्ड मल्टीप्लायर मैंने सेलेक्ट किया जीरो। देखिए इसका क्या बेनिफिट होगा, फर्स्ट मल्टीप्लायर वन तो हम वही लिखते हैं ईच फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन देखते हैं क्या बनता है, वन मीनिंग वन इंटू डी एक्स, सेकेंड मल्टीप्लायर माइनस वन मीनिंग माइनस का डी वाई, जीरो मल्टीप्लायर जीरो इंटू डी जेड मीनिंग जीरो अपॉन, अपॉन में देखें क्या बनता है, फर्स्ट मल्टीप्लायर वन, वन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, नेक्स्ट मल्टीप्लायर है माइनस वन मीनिंग माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स, थर्ड मल्टीप्लायर है मेरे पास जीरो जीरो। दिस सिंप्लीफाई करते हैं इस फ्रैक्शन को, तो इस फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, माइनस इसमें से फिर से कॉमन निकाल दिया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई। देखिए यहाँ फैक्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो फैक्टर अगर आपके पास बन गए डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कुछ बन गया बट जीरो नहीं बना। अब आपके यहाँ रखा ईच फ्रैक्शन, तो मैं फ्रैक्शन की वैल्यू पुट करती हूँ जो हमने क्वेश्चन में लिया है डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, सेकेंड फ्रैक्शन डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स, थर्ड फ्रैक्शन डी जेड अपॉन जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फ्रैक्शन आपके आगे ईच फ्रैक्शन इक्वल्स टू दिस। तो अगर आप इसको और इसको ध्यान से देखें तो एक फैक्टर कैंसिल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज कैंसिल आउट। तो हम इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। इक्वेशन आपके पास आ गई डी जेड अपॉन जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसल आउट। सो इक्वेशन किस में फॉर्म हो गया, इक्वेशन फॉर्म हो गया डी जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। क्या हुआ, मैंने मल्टीप्लायर इस तरह से सेलेक्ट करे कि मेरे पास ये जो फ्रैक्शन में टर्म बनी फाइनली जो मेरे पास बन के आया, न्यूमरेटर जो आपके पास है ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन किसका है एक्स माइनस वाई का, तो इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो मल्टीप्लायर कुछ ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि जहां मेरे पास पूरा का पूरा जो न्यूमरेटर है वो एग्जैक्ट डेरिवेटिव किसका हो, डिनोमिनेटर का हो। तो अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं वन अपॉन जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन आपने ले लिया
तो इंटीग्रेशन क्या आ गया इसका, लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस लॉग सी टू, ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ जाता है। तो अगर मैं इसको कंबाइंड कर लूँ लॉग को, लॉग जेड माइनस लॉग एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू लॉग सी टू, तो सेकेंड सॉल्यूशन बन जाता है जेड अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू सी टू, दिस इज सेकेंड सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए, तो फर्स्ट सॉल्यूशन जो निकला था वो बाय ग्रुपिंग, सेकेंड सॉल्यूशन में हमने यूज किया मल्टीप्लायर, बट मल्टीप्लायर इस तरह से सेलेक्ट किए कि वो उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव बना। तो अब हम इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या लिख रहे हैं, फाइ यू वी, यू फर्स्ट सॉल्यूशन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और सेकेंड सॉल्यूशन जेड अपॉन एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो जहां हमें मल्टीप्लायर जिस तरीके से रिक्वायर्ड है हम उसे उस तरह से यूज करेंगे, और इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है कि मल्टीप्लायर हम किस तरह से सेलेक्ट करें। होप सो लैग्रेंज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।